हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णदास माजी। आज इसी वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी यूज़ करके। ये देखिए चार प्रॉपर्टी लिखा है, ये चार प्रॉपर्टी यूज़ करके कैसे 20 कम से कम 20 सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ पहले आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, ये जस्ट चार प्रॉपर्टी लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, आप हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इस पेज में आपका 9 क्वेश्चंस है, 9 क्वेश्चन से लिख लीजिए। और इसी पेज में, नेक्स्ट पेज में हमारा 20 क्वेश्चंस है। देखिए 20 क्वेश्चंस है, पहले इसको पॉज करके आप लिख लीजिए कॉपी में, अपने कॉपी में आप लिख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहला प्रॉपर्टी क्या देखे थे, देखिए Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मॉड्यूलस, ये सिंबल को बोलते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2। ऐसे याद रखिएगा, Z1 एक लोग है और Z2 एक लोग है, एक ही कमरे में थे तो आप कमरा अलग कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Z1 अपन Z2, ये ऊपर में थे Z1 और नीचे Z2 था, तो ये मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस ऊपर में हो गया और नीचे हो गया। अब देखिए बहुत सारे लोग, ठीक है, एक कमरे में थे, Z1 Z2 अप टू Zn नाम का। ठीक है, तो Z1 एक लोग, Z1 इस कमरे में आ गया एक लोग, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, 2 पावर में था, पावर अंदर आ गया है, देखिए 2 अंदर आ गया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गया है। और मॉड्यूलस क्या होता है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a+i भी होता है तो मॉड्यूलस निकलने का फॉर्मूला है √a² + b² इसी। ये देखिए चार, और ये नंबर 2 नोट, ये 5 फार्मूला से आप 20 सम्स कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम पहले सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हम 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवेन है वो कॉपी में आप लिख लीजिए। सो x1 + i1 × x2 + i2 = a + i b × c + i d × e + i f। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है x1² + y1² × x2² + ये प्रूफ करना है आपको। देखिए जहाँ पे स्क्वायर रहता है, अगर बीच में प्लस है स्क्वायर रहता है, हमेशा मॉड्यूलस है। देखिए हर एक सम्स में x² + y² है, हर एक सम में x² + y² है, देखिए x² + y² है, x² + y² है। तो जिस सम्स में समथिंग स्क्वायर रहेगा वो मॉड्यूलस ही होगा, क्योंकि मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है √a² + b². चलिए, तो आप सिंपल लिखिए इसको, आप a+ib फॉर्म में लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करके a+ib वो बड़ा हो जाएगा बहुत, तो 15 मिनट ले लेगा ये, आप ये 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप 30 से 40 सेकंड में कर सकते। देखिए हम करते हैं टेकिंग मॉड्यूलस, अब मॉड्यूलस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 + i y1 × x2 + i y2 modulus = modulus of a + ib × c + i d × e + i f। तो आप देखिए आपको एक फॉर्मूला बताता है मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस सेपरेट हो जाए, दिस मॉड्यूलस इक्वल टू दिस मॉड्यूलस ऑफ दिस। सो राइट डाउन हेयर x1 + i y1 mod × x2 + i y2, ये सब लोग है। ठीक है, एक एक लोग, देखिए इस रूम में 2 लोग थे तो लोग अलग कमरा ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 लोग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रूम कमरा देखिए एक एक सिंगल इसका रूम मिल गया इसको। ठीक है, तो देखिए आप फॉर्मूला बताया था a + ib का मॉड्यूलस होता है √a² + b² तो इसका मॉड्यूलस होगा √x1² + y1² × √x2² + y2² = इसका मॉड्यूलस है √a² + b² × √c² + d² × √e² + f² आप देखिए रूट रहता है तो हम लोग क्या क्या करते हैं, हमेशा स्क्वायर करते हैं, रूट देखोगे तो तुरंत स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो x1² + y1² तो रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, रूट हट जाएगा × x2² + y2² = a² + b² × c² + d² × e² + f² देखिए आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, आपका 30 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में आप जितना स्पीड में कर सकते हैं इसको। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो डीटो सेम है, देखिए आप सिर्फ मॉड्यूलस अलग कर लीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा, आप 3 लाइन में इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर
आप फोर में देखिए, आप फोर हम करते हैं नहीं, फोर तो सिंपल है, आप मॉड्यूलस ले लीजिए, मॉड्यूलस अलग हो जाता है, ऊपर का मॉड्यूलस अपन लास्ट में स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये प्रूव हो जाएगा। हम फाइव नंबर करते हैं, फाइव नंबर इसी पेज में सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइव और सिक्स ये बोर्ड में या पेपर में कोई भी टीचर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट साम्स है फाइव एंड सिक्स। चलिए फाइव हम सिक्स नंबर करते हैं, तो सिक्स नंबर करते हैं, सिक्स नंबर में क्या लिखा है, इफ एक्स माइनस आई ओ आई इक्वल टू रूट अंडर ए माइनस आई वी, ठीक है, अपन सी माइनस आई डी। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना है बच्चों। तो आप देखिए, हम अभी बताया जस्ट रूट रहता है तो आँख बंद करके स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स माइनस आई ओ आई होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा तो ए माइनस आई बी अपन सी माइनस आई डी। आप देखिए, आप टेकिंग मॉड्यूलस ले लीजिए, आप देखिए आपको प्रूफ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप मॉड्यूलस तभी लेंगे अगर प्रूफ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा या समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर है, तो टेकिंग मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस बोथ साइड्स, सो इफ यू टेक मॉड्यूलस एक्स माइनस आई ओ आई होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस आई बी अपन सी माइनस आई डी। एक फार्मूला हमने पढ़े थे, देखिए ठीक है, मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी नंबर टू क्या पढ़े थे, मॉड्यूलस का अलग हो जाता है, मॉड्यूलस ऊपर में मॉड्यूलस चला जाता है नीचे मॉड्यूलस चला जाता है, तो इसमें ऊपर में मॉड्यूलस चला जाएगा नीचे मॉड्यूलस चला जाएगा। और इसमें देखिए और एक फॉर्मूला प्रॉपर्टी नंबर फोर में पढ़े थे, टू मॉड के अंदर आ जाता है। देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए आप मॉड मॉड जेड जेड स्क्वायर का आप ऐसे लिखिए जेड इंटू जेड, ओके आप देखिए दो लोग देखिए एक कमरे में थे तो जेड वन इंटू जेड सॉरी जेड इंटू जेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड जेड होल स्क्वायर, इसका प्रूफ हो गया। देखिए तो आप स्क्वायर अंदर आ जाता है, ठीक है स्क्वायर अंदर आ जाता है, चलिए यहाँ पे भी स्क्वायर क्या हो जाएगा अंदर आ जाएगा, तो एक्स माइनस आई ओ आई होल स्क्वायर मॉड इक्वल टू मॉड्यूलस यहाँ पे अलग हो जाएगा ए माइनस आई बी अपन सी माइनस आई डी, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या यूज़ किया, मॉड जेड होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड अंडर जेड स्क्वायर, ओके सो एंड मॉड जेड वन अपन जेड टू इक्वल टू मॉड जेड वन अपन मॉड जेड टू, ओके दिस इज दिस आर जेड, ओके। सो स्टूडेंट्स आप देखिए तो यहाँ सॉरी यहाँ पे हम गलत लिखा है, यहाँ पे होल स्क्वायर आप मॉड स्क्वायर बाहर चला जाएगा, ये लाइन ठीक है तो क्योंकि मॉड ले रहा है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो हमने अभी बताया मॉड अंडर ए प्लस आई बी क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप मॉड अंडर ए माइनस आई बी भी हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप क्यों, क्योंकि आप ए माइनस आई बी को आप लिख सकते हैं ए प्लस आई इंटू माइनस बी, ठीक है इसका मॉड अगर लेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर। तो देखिए नेगेटिव का मॉड्यूलस लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और पॉजिटिव का मॉड भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में क्या है, इसका मॉड ए माइनस आई बी का मॉड क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी माइनस आई डी का मॉड क्या होगा, रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप देखिए आप इसका रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके इक्वल टू ए रूट बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बच्चों ये पूरा रूट है, ठीक है रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप देखिए आपको हम बोले रूट देखते हैं तो कोई भी सामने में स्क्वायर कर दे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा। देखिए प्रूफ जो प्रूफ करना था उसके बाद ये लाइन आ गया, देखिए आप ये बहुत इंपॉर्टेंट साम्स है। आप इसके पहले जो साम्स दिया है हमने, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए पूरा डिटो सेम प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर फाइव, तो ये क्वेश्चन नंबर हमने सिक्स सॉल्व किया तो क्वेश्चन नंबर फाइव आप कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे प्लस दे दीजिए, सब में माइनस की जगह प्लस दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर फाइव डन, ठीक है डिटो सेम प्रॉब्लम। चलो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक साम्स देखते हैं, ठीक है तो आप इसी की तरह क्वेश्चन नंबर फोर में सिर्फ रूट नहीं है, इसमें डिफरेंस क्या है, मॉड्यूलस दीजिए स्क्वायर कर लीजिए। तो ये साम देखिए पूरा वन और क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत सेम प्रॉब्लम है, डिटो सेम प्रॉब्लम है, आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इसका आप मॉड्यूलस ले लीजिए, तो उसके बाद मॉड्यूलस अलग कर लीजिए, तो फॉर्मूला लगाइए आप स्क्वायर, ठीक है उसके बाद स्क्वायर कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिमेनिंग सम्स करेंगे, चलिए।